Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says in a streamline flow. Fine. So पहले हम discuss करते हैं कि streamline flow क्या है. Let's say हमारे पास एक pipe है. ये pipe किसी भी shape का हो सकता है इस तरह से. And let's say हमारे पास एक liquid है. ये liquid भी कुछ भी हो सकता है. It may be water, it may be mercury, anything. And जो liquid है इस pipe में flow करता है. Let's say this is the entry point and this is the exit point. एंड लेट्स से हम एक फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करते हैं. फ्लूइड पार्टिकल लेट्स से पार्टिकल ए. एंड ये जो फ्लूइड पार्टिकल ए है लेट्स से ये पॉइंट 1 से एंटर करता है इस पाइप में. एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ दैट फ्लूइड पार्टिकल, राइट. इस तरह से इस लाइन में ये पार्टिकल मूव करता है. लेट्स से पॉइंट 1 से ये पॉइंट 2 पे जाएगा, देन पॉइंट 3 पे जाएगा, देन पॉइंट 4 पे जाएगा, पॉइंट 5 पे जाएगा, देन पॉइंट 6 पे जाएगा. लेट्स से जो वेलोसिटी है इस फ्लूइड पार्टिकल का पॉइंट 1 पे v1 है, यहाँ पे कुछ v2 है, यहाँ पे कुछ v3 है, यहाँ पे कुछ v4 है, पॉइंट 5 पे v5 एंड पॉइंट 6 पे v6 है. नाउ स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि जो भी पार्टिकल पॉइंट 1 से एंटर करेगा वो सेम लाइन को फॉलो करेगा. मीन्स उसका जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो सेम होगा. लेट्स से पार्टिकल b एंटर करता है. Let me use a different color for particle B. Now particle B same point 1 से enter करता है, then उसका जो velocity होगा point 1 पे same होगा v1. Again इसी line में move करेगा and point 2 पे आएगा. Then point 2 पे भी उसका velocity कितना होगा? v2. Velocity means direction as well as magnitude, है ना. Then फिर से same path में move करेगा, then पॉइंट 3 पे आएगा, अगेन v3 होगा, सेम पाथ में मूव करेगा, v4 पे मीन्स पॉइंट 4 पे जाएगा, पॉइंट 5 पे जाएगा एंड सेम पाथ को फॉलो करेगा एंड इस पाइप से एग्जिट हो जाएगा. सो जितने फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट 1 से एंटर करते हैं इस पाइप में वो सेम पाथ को फॉलो करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो. सो वी कैन से कि जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ है. लाइक जो भी पार्टिकल पॉइंट 2 पे होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी v2 होगी, उसका जो मोमेंटम होगा p2 होगा, उसकी जो एनर्जी होगी e2 होगी. सिमिलरली जो भी फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट 3 पे आएगा उसकी वेलोसिटी v3 होगी, उसका मोमेंटम p3 होगा एंड उसकी एनर्जी e3 होगी. नाउ आप देखो कि सेम पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा. लेट्स से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है एंड पॉइंट 3 पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ A3. नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज दैट रो इंटू वी इंटू ए दिस शुड बी कांस्टेंट. नाउ लेट्स से ये जो लिक्विड है ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है. इट मीन्स इसका जो डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा. इट मीन्स रो इज़ कांस्टेंट. इट मीन्स वी इंटू ए दैट शुड बी कांस्टेंट. इट मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. नाउ आप देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 एंड 1, A1 एंड A3 को कंपेयर करो, A1 एंड A3 को, देन वी कैन से दैट A3 इज लेसर देन A1. इट मीन्स V3 विल बी ग्रेटर देन V1. मीन्स एक फ्लूइड पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, बट पॉइंट का ये प्रॉपर्टी है कि जो भी पार्टिकल उस पॉइंट पे आएगा उसका वेलोसिटी सेम होगा. नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. एंड इस तरह से हमारे पास मल्टीपल लाइन्स होंगे, है ना. इस तरह से देखो, जैसे ये एक स्ट्रीम लाइन है, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रीम लाइन होंगे, समथिंग लाइक दिस, राइट. सो दिस इज व्हाट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो. The speed of a particle always remains same. No, option A is wrong. The velocity of a particle always remains same. No. The kinetic energies of all the particles arriving at a given point are the same, of course. The momenta of all the particles arriving at a given point are the same, of course. जो velocity है, जो momentum है, जो energy है, वो point की property है ना streamline flow में. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.